स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। साथियों नमस्कार, आज के हमारे इस छोटे से वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप अपने घर पे भैंस लाना चाहते हैं, अपने डेयरी पे कोई भैंस लाना चाहते हैं, तो वो भैंस किस महीने में खरीदे। साल में 12 महीने होते हैं, जबकि भैंस खरीदने के लिए 3 महीने इतने शानदार होते हैं कि अगर आप उन महीनों में भैंस खरीदेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो वो महीने कौन कौन से हैं, देखिए पहला जो महीना आता है वो आता है फरवरी का। फरवरी यानी दूसरा महीना। फरवरी में अगर आप भैंस खरीदते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। फायदा नंबर 1, इस मौसम में ज़्यादा भैंसें हमें मिलती है देखने के लिए, खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में ज़्यादा भैंसें कंसीव होती है, यानी ठहरती है, हीट में आती है, वो वहाँ पर बच्चा धारण करती है, गर्भ धारण करती है, वो फिर 10 महीने से ब्याएगी, यानी जनवरी के महीने में भैंसें जो है वो काविंग करेगी। तो जनवरी के महीने में काविंग करेगी, तो उन्हें आप अगर फरवरी के महीने में खरीदते हैं तो बहुत ही शानदार रहेगा। तो पहला जो महीना आया है वो आया है फरवरी का। इसके बाद जो दूसरा महीना आएगा वो आएगा जुलाई का, और तीसरा जो होता है वो होता है अगस्त का। ये 3 महीने बहुत ही शानदार है। जुलाई अगस्त में भी सेम यही बात रहेगी। बारिश की सीजन के बाद जो ही ठंड का मौसम आने वाला होता है, उस समय वैसे बहुत ज़्यादा गाभिन होती है, हीट में आती है, ठहरती है, यानी गर्भ धारण करती है, और वही बात वो 10 महीने से बच्चा देगी। तो जिस समय भैंसें ज़्यादा बच्चा देती है, उस समय जो पशुपालक है जिनके पास 2 भैंसें 3 भैंसें हैं, या जो डेयरी फार्मर्स हैं जो बेचना चाहते हैं, उनके पास एक साथ ज़्यादा भैंसें बच्चे दे देती है, तो वो फिर उन्हें बेचना चाहते हैं, और जहाँ पर आपको बेचना चाहेंगे उस कंडीशन में आपको मोल भाव जो है वो कम देना पड़ेगा, यानी कि कम मूल्य में आपको भैंस मिल जाएगी। इसके अलावा कम मूल्य में भैंस मिल जाएगी, और इसके अलावा इस मौसम में जब आप भैंस लेके आएंगे, ये मौसम ऐसे हैं जिसमें भैंसें इजीली आपके फार्म पर सेट हो जाएगी, कोई प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी। आप लाए, डिवॉर्मिंग करवाएं, और उसके बाद वो भैंस आपकी हो जाएगी पूरी तरीके से। कभी आपको शिकायत नहीं रहेगी कम खाने की, दूध कम होने की, कोई दिक्कत नहीं रहेगी।